हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति पराग शर्मा। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड में। गाइस, ये है कनक का प्यारा सा स्कूल। कनक का आज पहला दिन है स्कूल में। हमने उसका एडमिशन और स्कूल विजिट किया, तो उस टाइम पे मैंने इसकी छोटी सी वीडियो भी बना ली आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। सभी पूछते हैं कनक कहाँ जाती है, कौन से स्कूल में जाती है। भाई, अभी तक तो कहीं नहीं जाती थी, अब से जाना शुरू किया है। और उसके स्कूल का नाम है नेस्ट प्री स्कूल। सामने आप देख सकते हैं स्कूल का नाम भी है, 28 ब्रांचेस हैं इसकी, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है कनक की टीचर। गाइस, हम गए थे दो दिन पहले, गए थे गाइस देखने के लिए कि हाँ स्कूल कैसा है, हमें कहाँ कहाँ कराना है। हमने एक दो स्कूल और देखे थे, बट हमें ये प्यारा लगा तो हमने इसकी वीडियो बनाई। सबसे पहले स्टाफ को थैंक यू कि उन्होंने हमें छुट्टी वाले टाइम पे वीडियो बनाने दी, क्योंकि पहली बात तो इस टाइम पे उन लोग का खुद का काम चल रहा होता है, स्कूल की साफ़ सफाई और ऑफिस का काम, तो कोई भी नहीं देता ऐसे परमिशन, लेकिन इन्होंने हमें दिया। तो थैंक यू सो मच सभी को, दीदीज़ को, प्रिंसिपल मैम को, टीचर्स को, सभी को थैंक यू यार, दिल से थैंक यू कि आपने अपना इतना स्पेशल टाइम हमें दिया। आप देख सकते हैं ये इन्होंने फिंगर गार्ड लगाया है ताकि बच्चे की जो फिंगर है वो गेट के अंदर ना फंसे, क्योंकि प्री स्कूल है, छोटे बच्चे आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काम चल रहा है, स्कूल जब ओपन होगा उसके लिए लोग काम कर रहे थे। मैं छुट्टी वाले टाइम पे गई थी दो दिन पहले, तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी ये बनाना टेबल्स लगाई हैं प्री स्कूल के बच्चों के लिए, प्री नर्सरी के लिए हैं। एक ये क्लास है, ये भी छोटे बच्चों के लिए है। गाइस, कनक का एडमिशन UKG में हुआ है, जो कि इस स्कूल की लास्ट क्लास है। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, जिसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। कुछ पिक्चर्स हैं इन बुक्स के अंदर, उसके थ्रू काफ़ी अच्छा रंग बिरंगा और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत ही प्यारा स्कूल है गाइस। ये है कनक की क्लास। गाइस, तीन चार क्लास यहाँ पे नीचे हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे क्लास है इनकी। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है, सॉफ्ट टॉयज इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जो दिक्कत क्रिएट कर सके। स्टाफ बहुत अच्छा है, दीदीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन गाइस जब हम अपना कुछ काम कर रहे होते हैं ना पर्सनल, और उसके बीच में कोई रिकॉर्डिंग करने आ जाए, बड़ा अजीब लगता है। तो पर इन्होंने फिर भी बनाने दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। कैसे फर्स्ट फ्लोर के लिए ऊपर स्टेयर्स दी गए हैं, यहाँ से हमने ऊपर जाके थोड़ी सी वीडियो मैंने यहाँ की भी बनाई है, मैम ने सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया है। कनक का प्रिंसिपल ऑफिस, हम यहाँ पर आए थे, आप देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा। और ये है इनकी प्रिंसिपल मैम। हेलो मैम। हाय मैम। मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कनक का इंटरव्यू आपने जो लिया है वो आपको कैसा लगा, कनक कैसी है? शी इज वेरी इंटेलिजेंट मैम। आपने अभी तक उसको स्कूल नहीं भेजा है, बट शी इज लुकिंग लाइक, मतलब शी इज वेरी स्मार्ट इन एवरीथिंग। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मैम, मुझे यही लग रहा था कि कोरोना में जैसे मैंने उसको घर पे पढ़ाया, बताना चाहती हूँ कि घर पे रहकर भी आप बहुत कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं। I was very surprised that कि खानक को आपने इतनी सारी चीजें सिखाई हैं, इवन आपने वो आज तक स्कूल नहीं गई है, बट वो UKG में एडमिशन ले रही है और हमने UKG में उसको एडमिशन ऐसे ही नहीं दिया है। मोनिका मैम ने इंटरव्यू लिया है, उसके बाद हमने खानक को एडमिशन दिया है। इवन यू टोल्ड अस कि उसको योगा, एरोबिक्स वगैरह सब कराया। ओके, रियली रियली अप्रिशिएटिव। थैंक यू मैम। बस मैं आपका जो वीडियो है मैं इसीलिए बना रही थी ताकि कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से घर पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल की बहुत वैल्यूज होती है, पर अगर आप घर पे ध्यान नहीं देंगे तो स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बच्चे की डेवलपमेंट दोनों तरफ से होती है, पेरेंट्स एंड स्कूल। हाँ, तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, प्लीज घर पर भी ध्यान दें।
अदरवाइज तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता. ओके थैंक यू मैम. ओके मैम थैंक यू. ओके बाय. तो गाइस ये है आज की वीडियो. कनक का फर्स्ट डे है. हम उसको अच्छी तरीके से तैयार करके तिलक वगैरह लगाकर उसको स्कूल के लिए भेज रहे हैं क्योंकि जिंदगी में शिक्षा प्राप्ति का उसका पहला दिन है. तो बस ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और अपनी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करे, सबके कल्याण का काम करे. इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं उसको स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ. उसके पापा उसे बैग दे रहे हैं जो भी स्कूल की ज़रूरी चीज़ें होती हैं. ये बुक्स हैं गाइस, इसमें इसको हमने बैग में नहीं डाला क्योंकि ये हमें सबमिट करानी है. तो जो जो यूज़ होंगी बस उतनी ही मिलेंगी. और ये वाटर बॉटल, सारी स्कूल की चीज़ें दे रहे हैं क्योंकि ये भी एक जैसे युद्ध में योद्धा जाता है ना, तो ये भी ज़िंदगी का एक युद्ध है जिसमें हमें सफल होना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है लिखना है. तो गाइस अब खाना खा के ये स्कूल और चल दिए. गाइस सब कुछ ऐसा ही मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए किया था, मेरे मम्मी डैडी ने, तो आज वैसा ही मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ. गुड मॉर्निंग. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.